आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। आज मनाखेली में आम आदमी पार्टी की ओर से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी को और नसीमुद्दीन पटेल को समर्थन देते देखे गए। इस रैली से पहले काफी लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल होते देखा गया। अलग अलग पार्टियों से भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए लोगों ने मीडिया से बात की और वजह बताई। इस बाइक रैली में लोगों ने केजरीवाल जिंदाबाद और नसीमुद्दीन पटेल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नसीमुद्दीन पटेल ने रैली के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गुरु बसवेश्वर की मूर्तियों पर फूलों की मालाएं भी चढ़ाई। शहर बीदर में असेंबली इलेक्शन को लेकर तैयारियां कर रही है सियासी पार्टियां, वहीं पर एक झलक देखी जा रही है। यहां पर बीदर शहर से 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी से नसीमुद्दीन पटेल साहब आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं असेंबली चुनाव के लिए, ये भी फाइट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। जैसे कि हर पार्टियों ने अपना अपना तैयारियों को शुरू कर दिया है, उसी तरह यहाँ पर नसीमुद्दीन पटेल ने भी आम आदमी पार्टी से सियासी लहर में कूद पड़े हैं और सियासत में यहाँ पर इन्होंने भी अपनी एक राजनीति बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है और आम आदमी पार्टी को काफ़ी मजबूत बनाया है यहाँ पर बीदर की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नसीमुद्दीन पटेल। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं हम, हमारे साथ में MLA कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है जो आम आदमी पार्टी से MLA इलेक्शन को लड़ेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग इनके समर्थन में आ गए हैं। यहाँ पे मनाखेली क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम दिख रहा है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं नसीमुद्दीन पटेल हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कुछ सवालात इनको कि इलेक्शन को लेकर इन्होंने क्या स्ट्रेटजीज बनाई है और कैसे ये फाइट करेंगे। सर पर आज हमारे पास मनाखेली सर्कल में ऑब्जर्वर वगैरह हमारे आए थे, उनके सदारत में हमारे पार्टी के वर्कर और पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आज ज्वाइन हुए। बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के, BJP छोड़ के, JDS छोड़ के आज ज्वाइन हुए। आज ज्वाइन होने का मतलब ये है कि केजरीवाल साहब के आम आदमी पार्टी के जो उसूल और जो उनका वर्क है, जो गरीबों तक हर चीज़ उनका पहुंच रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये करे। और हम मरहूम मेराजुद्दीन पटेल साहब के ज़माने से लोगों के साथ में हमारा जो अप्रोचेस और इस एरिया में हमारे जो योगदान, हमारा जो काम है, और उसके साथ ही साथ मैं इस एरिए में जिला पंचायत मेंबर बन के, अध्यक्ष बन के और 10 साल से बीदर किसान शुगर फैक्ट्री का पीछे पड़ के एक पागल के जैसा एक बौराने में घूमते हुए जो आज शुगर फैक्ट्री कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता। अल्लाह के फजल से इस एरिए के जो किसानों को सांस लेने का मौका मिला है, वरना इस एरिए में अगर वो शुगर फैक्ट्री ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೀದರ್ ಕಿಸಾನ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದ ರೈತರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಊರಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈತರಲ್ಲಿಂದ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಸೋದು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ತರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿದವರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿದವರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಕರ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ತರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಧವರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ, ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅವ್ರಲಿಂದ ಏನದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಾಗಿ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಸಂದೇಶ ಬೈಕ್ ರಾಲಿಸೆ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಸಂದೇಶ ಬತಾನಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ದಿನ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಖಿದ್ಮತ್ ಕರ್ಲಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಆ ರಹೇ ಆಪ್ಕೆ ಜೋ ಭೀ ಹೈ ಆಪ್ ಹಮಾರೆ ಜೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜೋ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಹಟ್ ಕೆ ಹಮಾರಾ ಜೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಮಲಾ ಹೈ ಆಪ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ವೋ ಸಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಖಿದ್ಮತ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತುಮಾರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಆ ರಹೇ हम खिदमत करने के लिए आ रहे हैं, दूसरे लोग खाली चॉकलेट खिलाने के लिए आ रहे हैं। देखिए आने वाले दिन में हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम एजुकेशन के लिए, दूसरा देंगे हम हेल्थ के लिए, तीसरा देंगे हम पानी के लिए, चौथा देंगे आज एक जो बेरोजगारी है वो रोजगारी के लिए। आज हमारी शुगर फैक्ट्री में क्या है, बीदर किसान शक्कर कारखाना शुगर फैक्ट्री में आज 2000 बच्चे आज काम कर रहे हैं, आज 10,000 लेबर ये सीजन में काम कर रहे हैं, 6,000 किसानों का हम गन्ना लेके आते हैं आने वाले दिन में, और हमारा आज 5,000 कैपेसिटी, आने वाले दिन में 8,000 कैपेसिटी हो रहा है, और एथनॉल का प्लांट हम चालू कर रहे हैं। 10,000 के आए बोले तो हम 5,000 एम्प्लॉयज़ को हम आगे रोजी देने वाले हैं। एथनॉल में क्या प्लांट है सर? अब देखिए शुगर प्लांट और पावर प्लांट है, एथनॉल अब स्टार्ट करना है,
उसके अंदर क्या है बोले तो डीजल और पेट्रोल में ये आता है, हमारे क्या और 5,000 हमारे को और एम्प्लॉयज के हमारे आप जीतेंगे तो चालू करेंगे क्या? आप जीते तो नहीं, अब शुगर फैक्ट्री चल रही है ना सब, क्या मैं क्या क्या भी हूँ? इथेनॉल का काम चल रहा है, इथेनॉल का काम चल रहा है, अब 5,000 कैपेसिटी शुगर फैक्ट्री है, आइंदा आने वाले में भी 8,000 कैपेसिटी का वो प्लांट बनने वाला है। बातें हो रहे हैं आप जो वादे कर रहे हैं अभी ये काम करेंगे, आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की, तो ये पब्लिक जनता आप पे कैसे भरोसा करेंगे काम करेंगे आप? 100% क्यों वो तो मैं गैसो पीरियड में जिला पंचायत चेयरमैन था, मेरे चेयरमैन के पीरियड में क्या क्या करूँ पूरी आवाम को मालूम है, पूरे जिले के आवाम को मालूम है, साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, मैं जीता था बगदल कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन जिला पंचायत चेयरमैन का पावर पूरा जिले में रहता, 31 डिपार्टमेंट के ऊपर रहता, मैं पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर अच्छे तरीके से फोकसिंग डाल के अच्छा तरह क्या है बोले तो मैं काम करके आज जिला पंचायत के अंदर एक अच्छा क्या है मैसेज रख के आया हूँ। सबसे टफ कौन सा कैंडिडेट नजर आता है जो आपके सामने है? मेरे सामने तो कोई भी नजर ही नहीं आ रहा है, मेरे लिए हर लोग अपने आप को मेरे, मैं लीडर नहीं हूँ सर, एक वर्कर हूँ मैं, एक बिल्कुल एक मामूली किसान के घर से आए सो हूँ, मैं किसान आदमी हूँ और किसान का सेवा कर रहा हूँ, आम लोगों का सेवा कर रहा हूँ और भी सेवा करता हूँ, आज तो मैं कोई होदे पे नहीं हूँ लेकिन मैं सेवा कर रहा हूँ, वो सेवा की मेरे को मजदूरी दिए तो बस है, लोग उसी ज्यादा क्या भी नहीं, आज आज 5,000 आदमी, आज 2,000 एम्प्लॉयज, 5,000 मेरे किसान भाई, उसकी मजदूरी दिए तो बस है, मेरे को उसी ज्यादा तो क्या भी ये नहीं है बोलने का उसके रास्ते में, आज हर गांव में जा रहा हूँ तो लोग खुश है, साहब आप शुगर फैक्ट्री का जो सर्विस दे रहे हैं बहुत अच्छी दे रहे हैं साहब, उनके घर तक जा रहा हूँ, उनके खेत तक जा रहा हूँ। अभी काफी लोग आ गए हैं सर यहाँ पे आपके समर्थन के लिए, बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है, हजारों की तादाद में लोग आए, तो क्या है आपके साथ आखिर तक रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे साहब, और तादाद बढ़ेंगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, आने वाले दिन में और तादाद बढ़ेंगी, ये तादाद ऐसा लगता है कि आपकी जीत आपको नजर आ रही है फिर इंशाल्लाह, भगवान का जो दया है और अल्लाह मियां का जो ऊपर वाले का मालिक का जो ये रहेंगे बराबर, हम हमारा काम स्ट्रगल करना है, हमारा काम मेहनत करना है, उसके बाद फैसला ऊपर वाले के हाथ में है। जंगल में कैसा शेर अकेला रहता ना, वैसा नसीम पटेल साउथ में अकेला है, जंगल में शेर कैसा अकेला रहता है, नसीम पटेल साउथ में अकेला है, इसके आगे कोई भी नहीं। और क्या बताना चाहेंगे नसीम पटेल के बारे में? नसीम पटेल के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, इन मिराज पटेल के भैया नसीम पटेल। आज मैं एक आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता हूँ, जो एक मेहनत जो नसीम पटेल के नेतृत्व में देखने में आई, जो एक जज्बा आज बिदर सौद में देखने में आया है, जो एक गौर गरीब और आवाम में तख्फे में जाने वाले एक नसीमुद्दीन पटेल खैर जो शख्स है, जो बिदर सौद में कोई कैंडिडेट नहीं है बोलकर क्या एक आवाज़ उठ रही है, वो आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक गौर गरीब की वो नसीम पटेल साहब है। कब से लग रहा है अभी जो काम चल रहा है, अच्छे काम आप जो तारीफ कर रहे हैं, कितने दिनों से जानते हैं? मैं 1.5 साल से जो पार्टी ज्वाइन हुआ था, जो नसीम पटेल आने के बाद वो हमारी आम आदमी पार्टी में जो लहर देखनी आ रही है, और इसी तरह आगे भी हम जिता करके हम मालूम है बेंगलुरु में बैठाएंगे, हमारी यही एक ख्वाहिश है, क्या मालूम है जो फार्मर्स की जो तकलीफ है क्या है मालूम है, देखने के बाद जो गरीब के लोगों में जाना आना, हर कास्ट के लोगों में जाना उठना बैठना क्या है मालूम है, नसीम पटेल का साहब का जो एक मुद्दा है यही है कि लोग आज एक गरीब तबके में जो परेशान है, जो 5 साल हुआ जो डेवलपमेंट नहीं हुआ बोलकर क्या है मालूम है एक पब्लिक में नाराजगी जो जाहिर कर रहे हैं, और इसी तरह क्या है मालूम है एक भी क्या है मालूम है आज काम नहीं हुआ बोलकर पब्लिक में नाराजगी है, हम यही बात आज को क्या है मालूम है नसीम पटेल को जिता कर बेंगलुरु में आपको भेजने के लिए वास्ते हमें आप क्या बोलेंगे साहब अभी आप? हम किसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, हम उसके खिलाफ लड़ने वाले हैं और शिक्षा में बहुत बोला कुछ भी नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, वो सिस्टमेटिक लाना चाहिए। भरोसा क्या है आपको कि एज पार्टी को सिस्टम बदलेंगे? ये दिल्ली में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, वो बड़ा आपको देखे आप यहाँ पे भी उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद रखे हैं और मुझे पूरा भरोसा है नसीम साहब के ऊपर, क्योंकि हम बचपन से उनके हम देख रहे हैं उनके एक्टिविटीज 100% वो डेवलपमेंट करेंगे। आम आदमी पार्टी में आप पहले एज पार्टी में पहले भी दूसरे पार्टी में? नहीं हम लोग कांग्रेस में थे, वो छोड़ के हम आम आदमी पार्टी और नसीमुद्दीन पटेल के अच्छा मतलब क्या आम आदमी पार्टी में आए और लोग आएंगे यहाँ पे? आएंगे हम जुड़ेंगे। और कितने लोग जुड़ेंगे आपके? हम डोर टू डोर कंपेन करेंगे पूरा सौ। कंपेनिंग कब से चालू होंगी आपकी? हम डिक्लेयर होने के बाद जैसा डिक्लेयर होता है। अच्छा पहले भी आपने कंपेनिंग की है तो क्या लग रहा है आपको, जनता आपका फेवर कर रही है? नहीं बिल्कुल सपोर्ट कर रही है पब्लिक, क्योंकि पूरे सरकार पूरा फेल हो गए हैं, पब्लिक का जो नीड्स है नहीं कर रहे हैं, बस पूरे लोग आम आदमी पार्टी उम्मीद रखे हैं। इसलिए जो केजरीवाल साहब जो दिल्ली में सरकार बनाए हैं, आज उनके मैनिफेस्टो जो अमल में आए हैं,
वो देख के आज पंजाब में भी सरकार बनाए भरोसा करे केजरीवाल साहब से। आज हमारे भाई साहब भी वो पार्टी को भरोसा करके नसीमुद्दीन पटेल साहब, ताकि मैं भी आवाम की खिदमत करूँ, ऐसे में काम अगर कर सहूलतें अगर मैं पब्लिक तक पहुँचाऊँगा तो इससे बड़ी मेरी क्या खुशनसीबी है, बोल के एक डिसीजन हमारे जो नसीम पटेल साहब जेडीएस छोड़ दे के, हम भी 25 साल से जेडीएस छोड़ दे के, आज हमारे भाई साहब जो लिए हैं नसीमुद्दीन पटेल साहब, हम भी वही पार्टी का सपोर्ट करके आज हमारे भाई होम के लिए। क्या आप जब जेडीएस में थे तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि जेडीएस पार्टी भी कुछ अच्छा डेवलपमेंट करेंगी, बोल के ऐसा कुछ नहीं? पार्टी एक अलग चीज़ है, लीडर एक अलग चीज़ है। लीडर की खामियाँ ये होना कि कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ता की कीमत क्या है, उनकी क्या चीज़ है, ये जानकारी कर रखना लीडर का काम है। यानी ये कार्यकर्ता को देख के पार्टी छोड़ दे, कार्यकर्ता लीडर को छोड़ दे के, लीडर आज हमारे बीच में नहीं है। आज नौजवानों की धड़कन है, नसीमुद्दीन पटेल साहब को यहाँ से इलेक्ट करके असेंबली को भेजना, बल्कि पूरे नौजवान की ये कोशिश है आम आदमी पार्टी में जाने, और उन्होंने 100% है कि उन्होंने यहाँ पे काम करेंगे, बल्कि हमको भरोसा है। नसीमुद्दीन साहब जो पार्टी में जाएंगे वहाँ पे रहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, आज ये पार्टी के जो मैनिफेस्टो देख के जो अमल में आके अगले 2024 में अगले देश के प्रधानमंत्री केजरीवाल होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे नसीमुद्दीन पटेल साहब यहाँ से बिदर से इलेक्ट होके बिदर सौ से असेंबली को जाएंगे, ये 100% पूरे लोगों का ओपिनियन है, ये नौजवानों के धड़कन है। पार्टी का डेवलपमेंट देख के पूरे इंडिया में उसकी हवा चल रही है, जैसा स्कूल का है ऐसे स्कूल बना दिए दिल्ली में, वो प्राइवेट स्कूल ख़त्म हो गए, और ऐसे दवाखाने बना दिए केजरीवाल, वो प्राइवेट दवाखाने ख़त्म हो गए। तो केजरीवाल के जो काम करने का तरीका है उसको देख के इन इसमें जॉइन हो गए। अगर इनो एमएलए बनते हैं नसीमुद्दीन पटेल तो वो चीज़ें आएंगी बीदर में भी? बीदर में भी आएंगी, 100% आएंगी, बराबर जीतेंगे ये, दिन ब दिन इनकी तादाद फेवरेट बढ़ते जा रही, हाँ कम नहीं हो रहे। आज 1000 आदमी आए तो कल 2000 हो रहे, हाँ पूरे कंपलसरी 100% जीतेंगे नसीमुद्दीन पटेल, ज्यादा ज्यादा तादाद हो जाएगी, कॉन्फिडेंटली 100%। हम केजरीवाल जो पार्टी बनाए हैं उस पार्टी में एजुकेशन है, हेल्थ है, और दूसरा क्या है बोले तो केईबी है। हम केजरीवाल देख के ये पार्टी ज्वाइन कर, पहले कोई पार्टी में थे आप इससे पहले? कांग्रेस में थे, कांग्रेस के सीनियर है, बचपन से कांग्रेस में थे, हालांकि नसीम पटेल जेडीएस में थे, हम कांग्रेस में थे। अभी आम आदमी पार्टी में आने की वजह? आने की वजह यही है, केजरीवाल के हम जो मैनिफेस्टो है उसमें अच्छे हमको समझ में है, इसलिए आम आदमी पार्टी में। क्या क्या करेंगे अभी आपके, क्या काम रहेंगे आगे? आगे हमारा क्या काम है, हम पार्टी लोगों को जुड़ेंगे, पार्टी को मजबूत, बिल्कुल पार्टी को जुड़ाने का और जिताने का काम हमारा आपके है। साथ जो पुराने पॉलिटिशियन थे उनको भी इसमें लेंगे आप? बिल्कुल लाएंगे, आई भी और लाएंगे, और इस साल नसीम पटेल को एमएलए देखना चाह रहे हैं। जी 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 जी, मैं ना नसीम पटेल साहब को एक डायमंड समझता हूँ, वो कोहिनूर हीरे की तरह है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, नसीमुद्दीन पटेल लाखों में एक। अभी नसीमुद्दीन पटेल की चेहरे से डेफिनेट विन, 101% विन सर। सुनिए अभी नसीमुद्दीन पटेल का चेहरा देखिए, क्या आम आदमी पार्टी दोनों में से क्या आपको? मैं केजरीवाल सरकार को भी देख रहा हूँ, प्रोग्राम में हूँ, बाद में दिल्ली में जो क्या क्या रूल्स लागू किए हैं, और पंजाब में देखा हूँ, और नसीमुद्दीन पटेल साहब को मैं 15 ईयर से जानता हूँ, वो लोगों की क्या खिदमत करे हैं, 100% विन सर। दिल्ली वाली चीजें यहाँ पे देखना चाहते हैं आप जी? डेवलपमेंट जो दिल्ली में हो यहाँ देखना चाहते हो? यस 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 सर, हम मंगली से आए सर, ज्वाइनिंग से आम आदमी पार्टी, नसीम पटेल साहब।